मैंने सोचा कि जितने ओपनली ये सारी बातें यूएस में चलती है, पर अगर यही बातें इंडिया में हो तो मतलब इंडिया में ऐसी बातें कोई बोल ही नहीं सकता। ये सारी पैकिंग इस बैग में हो गई, जा रहे थे कहीं जा रहे थे। अभी मैं ऐसे बैठ के सोच रही थी कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था किसी दूसरे देश में खुद से अकेले इतने सारे काम करूंगी। मैं व्लॉग बना रही हूँ तो लोग मेरे मुँह की तरफ देख रहे हैं। फिर से मुझे डर लग रहा था कि कहीं prior to putting the oxygen mask over your nose and mouth. ये देखिए कितना अच्छा व्यू है ये। अभी मैं अच्छे वेदर में रह के आई हूँ, इंडिया जैसा वेदर था वहाँ पर और यहाँ पर तो बहुत। वेलकम टू माय वीडियो। तो अभी मैं मेरे दीदी के घर से जा रही हूँ वापस क्लीवलैंड जहाँ पर मैं रहती हूँ। ये है ऑस्टिन, ऑस्टिन से मुझे क्लीवलैंड जाना है। दो फ्लाइट मुझे लेनी है, तो यहाँ से तो पहले फ्लोरिडा पे फ्लाइट है, फिर फ्लोरिडा से क्लीवलैंड की फ़्लाइट है। हाफ एन आवर में हम निकल रहे हैं। अभी रेडी हो गई हूँ, पैकिंग वगैरह हो गई है, कुछ खाते हैं और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। मेरी सारी पैकिंग इस बैग में हो गई और ये जैकेट ले लिया है। यहाँ पर तो ठंड नहीं है, देखिए यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा पर इंडिया जैसा यहाँ का वेदर है। और क्लीवलैंड में तो स्नोफॉल हो रहा है तो मुझे तो ऐसा वेदर अच्छा लगता है, बहुत ही स्नो वगैरह रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो बस अभी मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने सारी चीज़ें ली या नहीं ली और बस निकलते हैं। ये आ गई मैं एयरपोर्ट में। चलो अभी चलते सिक्योरिटी चेक के लिए। एयरपोर्ट में तो आ गई हूँ, अभी सिक्योरिटी चेक करना है और मेरे पास टाइम है तो इतना कुछ मतलब जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पीछे सिक्योरिटी चेक होता है और जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक से आ गए तो मैं सबसे पहले ये मेरा फ्लाइट नंबर चेक करती हूँ और मुझे यहाँ से पता चलता है कि मुझे गेट नंबर कहाँ पर जाना है। तो ये जो गेट है वो आगे की तरफ है। मैं करीबन 1 वीक के लिए दीदी के घर आई थी, वैकेशन थे इसलिए, और दीदी के घर में मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया पर जितना थोड़ा बहुत बनाया है मैंने वो लास्ट वीडियो में शेयर किया था तो आप वो देख सकते हो। तो वो 34 मेरा गेट नंबर है और अभी यहाँ पर कहीं बैठती हूँ, यहाँ पर जगह खाली है तो चलो बैठ जाती हूँ। तो इम्पोर्टेंट कुछ मेल चेक करने हैं और कुछ काम है। लैपटॉप निकाल लिया है यहाँ पर, तो अभी जो भी 2-4 काम बचे हैं इम्पोर्टेंट वाले वो कर लेती हूँ। और कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एयरपोर्ट में कभी लैपटॉप निकाल के काम भी करूँगी। बस 5 मिनट में अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे और सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे काम है। तो मैंने सोचा कि फ़्लाइट में इस बार बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी, नहीं तो मैं फ़्लाइट में सो जाती हूँ। तो मैंने ऐसे बंद बना लिया है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, मतलब बाल खुले थे और जैकेट में हो रहे थे, बीच में जा रहे थे कहीं जा रहे थे। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो बस फ्लाइट के लिए जा रही हूँ। फिर से मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बैग जो है थोड़ी हेवी है और थोड़ी मोटी है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैं अभी जा रही हूँ फ्लाइट के लिए। इस बार भी मुझे विंडो सीट मिली है तो मेरी सीट नंबर है 26F, तो ये इस साइड पे रहेंगी और ये रही मेरी सीट। आप वीडियो पूरा देखते तो हो पर वीडियो को लाइक ही नहीं करते, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी मैं सोच रही हूँ, मैं अभी ये फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाती हूँ तो सोच रही थी कि बैक कैमरा से ऐसे वीडियो बनाते जाओ। और चलो अभी मुझे एक कॉल आ रहा है तो अभी नेटवर्क तो चला जाएगा तो मैं जल्दी से एक कॉल अटेंड कर लेती हूँ। तो ये यूएस की जो है ये फ़्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस, और वहाँ पर जो है वो है अमेरिकन एयरलाइंस और वो है अलास्का। Is a loss of cabin pressure. Masks will drop from the compartments above your seat and lavatory ceilings. Remain seated with your seatbelt fastened. Pull the mask toward you to start the flow of oxygen.
You must remove your face covering prior to putting the oxygen mask over your nose and mouth. On your head and tighten by pulling on the ends. किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अमेरिका में फ़्लाइट के टिकट की प्राइस कितनी होती है, तो मैं क्लीवलैंड से ऑस्टिन गई थी, मुझे दो फ्लाइट चेंज करनी पड़ी और उसके प्राइस थी $38 जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से होते हैं 3,300 रुपीज़, और ऑस्टिन से क्लीवलैंड की फ़्लाइट मेरी महंगी थी। तो अभी मैं ऑलमोस्ट फ्लोरिडा पहुँच गई और आप ये व्यू देखिए, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये व्यू देखना, कहीं पर भी मतलब कौन से भी फ्लाइट में बैठूँ और ये व्यू देखने के मतलब देख के मुझे पता नहीं बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही सुकून, बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करूँ। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। ये मैं अभी पहुंच गई हूँ फ्लोरिडा, यहाँ से मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है क्लीवलैंड के लिए, 3 घंटे का ले ओवर है। और मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं यूएस में ही ट्रैवल करती हूँ तो मुझे फ़्लाइट की टिकट सस्ती पड़ जाती है, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो। और अगर आपने फ़्लाइट की टिकट 1.5 या 2 महीने पहले निकाल दी तो और भी सस्ती पड़ जाती है यूएस में। तो अभी मुझे एयर हॉस्टेस ने बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल ऐसे बोला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एयरपोर्ट तो काफ़ी बिजी है, मतलब देखिए कितने सारे लोग हैं एयरपोर्ट में। और अभी यहाँ से मेरी फ़्लाइट पहले तो चेक करती हूँ कौन से गेट पे है। तो यहाँ से मैंने देख लिया मुझे जाना है G12 में, और अभी G12 कहाँ पर है, यहाँ पर तो 11 दिख रहा है, यही कहीं होगा मतलब, तो कहाँ पर है, वहीं पर है मेरा, देखिए यहीं से मैं आई और यहीं पर मेरा अभी नेक्स्ट फ्लाइट है। अभी बैठती हूँ, अच्छी खाली जगह मिली है और दीदी ने पराठे दिए हैं वो खाती हूँ। मेरी अभी नेक्स्ट फ्लाइट वहीं पर है और वहाँ पर मैंने चेक भी किया तो क्लीवलैंड की है फ्लाइट, टाइम है फ्लाइट को। दीदी ने पराठे दिए थे तो वो खा लेती हूँ। किसी अनजान देश में ऐसे अनजान लोगों के पास में बैठ के अकेले मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ, पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ अकेले मैनेज करना। अभी मैं ऐसे बैठ के सोच रही थी कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे लोगों के बीच में आ जाऊँगी, मतलब किसी दूसरे देश में खुद से अकेले इतने सारे काम करूँगी, मतलब खुद ट्रैवल करूँगी। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, मैं खुद को अपने पहले के इससे कंपेयर करूँ तो, पर बहुत ही अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और ऐसा बोलते हैं कि जो अकेला रहना सीख लेता है वो दुनिया में कुछ भी सह सकता है, पता नहीं इतनी मोटिवेशनल बातें मुझे क्यों आ रही है, पर अभी ऐसा मुझे लगने लगा है कि मैं खुद की कंपनी एंजॉय करती हूँ, अकेले सब कुछ करना, अकेले रहना, अकेले खाना भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने पराठे खा लिए और अभी इस बार की जो फ्लाइट है उसमें मुझे विंडो सीट नहीं मिली है, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे हमेशा विंडो सीट चाहिए होती है। यहीं से आई थी और अभी यहीं से जा रही हूँ। ये रही मेरी टिकट, ये है फ्लोरिडा टू क्लीवलैंड। दीदी को एक मैसेज कर देती हूँ, अभी विंडो सीट नहीं मिली है तो मुझे विंडो सीट चाहिए बस। तो मैं अभी एक बार तो रिक्वेस्ट करूँगी जिसको भी मेरे रो में विंडो सीट मिली होंगी उनको कि क्या आप सीट एक्सचेंज करोगे। आते बराबर मैंने एयर होस्टेस को बोला कि आपके पास विंडो सीट खाली है क्या, तो उसने बोला कि फ़्लाइट एक बार स्टार्ट होने दो और जहाँ पर सीट मिले वहाँ पर बैठ जाओ। तो आ गई हूँ मैं फ़्लाइट में और एक दो पिक भी क्लिक किए मैंने ऐसे, तो ताकि ये थंबनेल के लिए यूज़ हो जाए। और अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ तो लोग मेरे मुँह के तरफ देख रहे हैं कि मैं किससे बात कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करना भूल गए होगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आ गई हूँ क्लीवलैंड में, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्लीवलैंड आके, और मैंने पूरे जर्नी में पता नहीं आपको आवाज़ आ रहा है या नहीं, ऐसा करती हूँ बात नहीं की बात करती हूँ। थक गई हूँ और
फाइनली मेरी 3, 6 और 7 तो मेरी फाइनली 7 घंटे की जर्नी पूरी हो गई। और अभी पूरी तो हुई, मतलब अभी घर भी पहुंचना है, पर हो गया। अच्छा लग रहा है, अपने घर में आने की खुशी भी एक अलग ही होती है। और अभी फ्लाइट में मैंने बहुत कुछ लिखा इस डायरी में, मुझे ऐसे लिखना बहुत पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही है तो उसके बारे में मैं लिखती रहती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगता है। मुझे मेरी बातें ज़्यादा लोगों को शेयर करना पसंद नहीं है। और मुझे एक बात और बतानी थी आपको, अभी मैंने एक बात नोटिस की। तो फ्लाइट में एक लड़की के हाथ में फूल थे और रोजेस थे, तो एक बूढ़े, मतलब थोड़े एज वाले अंकल थे, उन्होंने पूछा कि ये फूल किसके लिए है। तो वो लड़की ने डायरेक्ट बोल दिया कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है। तो मैंने सोचा कि कितने ओपनली ये सारी बातें US में चलती है, पर अगर यही बातें इंडिया में हो तो, मतलब इंडिया में ऐसी बातें कोई बोल ही नहीं सकता। तो ये एक डिफरेंस लगता है मुझे। और अभी चलो, अभी चलते घर। दिनों बाद क्लीवलैंड का ये व्यू देखने को मिला। और ये सिटी, मतलब ये देश तो अपना नहीं है, पर क्लीवलैंड अपना सा लगता है। यहाँ पर मेरा कॉलेज है, मेरी रूम है, फ्रेंड्स है, तो एक अपना सा लगता है क्लीवलैंड। तो पहुँच गई हूँ मेरे अपार्टमेंट के नीचे, हूँ रूम पे जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। और शायद रूम पे सब सो गए होंगे और मुझे थोड़ा रूम भी अरेंज करना है। तो और यहाँ पर ठंड भी है। अभी मैं अच्छे वेदर में रह के आई हूँ, इंडिया जैसा वेदर था वहाँ पर, और यहाँ पर तो बहुत ठंड, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का। रूम पे तो आ गई मैं और बस अभी फ्रेश होती हूँ, थोड़ा रूम अरेंज करके सो जाती हूँ कि, और फिर तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो बस लैपटॉप निकाल लिया है। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि फिर से मुझे एक्स्ट्रा मनी तो फिर से मुझे डर। पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अकेले ट्रैवल करना। पहले खा लेती हूँ। अगर मैं खुद को अपने दीदी को एक मैसेज कर देती हूँ। और मुझे एक बात और बतानी थी आपको, अभी मैंने एक बात नोटिस की, बाद में बोलती हूँ।